अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलें ठीक है बेटा, हैंड डाउन करें। आज हमने करनी है हम जो नज़म है जो हमने कल पढ़ी थी उसकी मश्क, उसके मश्की सवालात जो हैं वो आपके नोट्स में मौजूद हैं, वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। अभी जो आप इसमें करेंगे वो है कि इस हम में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफात मदरजा ज़ेल अल्फाज मुरकबात के मानी लिखें। पहले आप लोग ये कर लें एक्सरसाइज में, वैसे तो आपके नोट्स में इनके मायने दिए हुए हैं लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए आपने बुक पे इसको करना है। तो अभी आपने ये देख लेना है कि मुकद्दम लफ्ज़ है, इसका कल मैंने नज़्म पढ़ाते हुए मीनिंग लिखवाए थे। पहला इसका मतलब है, अव्वल है महरम यानी वाकिफ जानने वाला, और खिलते सुल्तानी इसका मतलब है कि शाही लिबास, बादशाहों का जो लिबास होता है उसको शाही लिबास लिखेंगे। मुहीत छाया हुआ, आफाक दुनिया, बंदा नाफरमान गुनाहगार बंदा, नाफरमान बंदा। तीसरे शेर में शायर ने महरम और नामहरम को किस लिए एक जैसा करार दिया है? इसका जवाब जो है वो बेटा आप लोगों ने लिख लेना है कि महरम जो है और नामहरम को इसलिए उसने एक जैसा करार दिया है कि महरम जो है जो अल्लाह ताला की हकीकत को जान लेता है वो अल्लाह ताला की इबादत में मगन हो जाता है, और नामहरम जो अल्लाह ताला की हकीकत को नहीं जान सकता वो दुनियादारी में ही मगन रहता है। इसलिए उसने शायर ने दोनों को ही एक जैसा करार दिया है कि वो दोनों ही कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद जो है ये वाली जो मिसरे हैं ये आपने मुकम्मल करके लिखने हैं कि गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। यहाँ पर मुकद्दम लफ्ज़ आएगा वो आपने लिखना है, और उसके बाद है महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम। यहाँ पे आएगा जचता नहीं नजरों में या खलते सुल्तानी, इधर आएगा दाल वाले में आएगा आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, उसके बाद है हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है। अब जो है इसके बाद कॉलम है वो आपने करने हैं कि बंदा नाफरमान जो है उसको आपने किससे मिलाना है। बंदा नाफरमा यानी वो हमद सरा है, बंदा नाफरमा का क्या लिखेंगे हमद सरा, इसके साथ इस कॉलम को मिलाएंगे। फिर है मुकद्दम हक, मुकद्दम का किसके साथ करना है सेकंड लास्ट के साथ, मुकद्दम हक। महरम जो है वो नामहरम के साथ, उसके बाद जो लफ्ज़ है कमली वो आएगा खलते सुल्तानी, आफाक महक, आफाक का होगा महक, पैगाम के साथ आएगा सबा, बोल रंगे बयान, बोल का रंगे बयान। उसके बाद बेटा आपने ये जो है काफिया की तारीफ बयान की गई है या उसकी पहचान बताई गई है उसमें आपने याद रखना है कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। जैसे इसमें हम देखते हैं सबा जुदा, या इसमें आता है सिवा सरा तेरा अदा, ये सारे जो हैं लफ्ज़ ये हम काफिया अल्फाज हैं, ठीक है, तो इसको हम काफिया कहते हैं। हर शेर में काफिया तब्दील होता है तहम उसकी सौत यानी आवाज़ जो होती है वो एक जैसी रहती है। काफिया की जमा, अब ये बेटा आपने जमा के तौर पर भी याद रखना है कि एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जा सकता है कि कवाफी का वाहिद क्या है या काफिया की जमा क्या है, इसको याद रखना है। फिर इस
जो गजल के शेर दिए हुए हैं इनमें काफिया देखें कि कौन सा है, हुआ, दवा, माजरा, दुआ, ये सारे क्या हैं? हम काफिया अल्फाज हैं, तो नीचे बताए भी गए हैं, तो आपने इनकी पहचान के तौर पर इससे जो है गजल के इन शेर को देखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो एमसीक्यूज में आ सकती है वो है रदीफ। रदीफ के लुगवी मायनी जो हैं वो सवार के पीछे बैठने वाले के हैं, सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ कहा जाता है, यानी एक लफ्ज़ जो नज्म में हर मिसरे में बार बार दोहराया जाए, पहले मिसरे में वो दोनों में मौजूद हो, पहले शेर के दोनों मिसरों में मौजूद हो आखिर में, लेकिन बाद में हर शेर के आखिरी मिसरे का आखिरी लफ्ज़ वही लफ्ज़ बार बार दोहराया जाए, उसको रदीफ कहा जाता है। क्योंकि ये लफ्ज़ या अल्फाज काफिये के बाद आते हैं इसलिए इन्हें रदीफ का नाम दिया गया है। हर शेर में रदीफ का लफ्ज़ या अल्फाज हूबहू दोहराए जाते हैं, यानी कि वही लफ्ज़ होगा। काफिया जो होता है वो हम आवाज़ होता है, लेकिन जो रदीफ है वो बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज़ है। रदीफ की इसमें चंद मिसालें क्या है? नहीं आती, यानी ये बार बार जो है लफ्ज़ हर शेर में दोहराया गया है, और हर शेर का जो है वो आखिरी मिसरा जो है उसका आखिरी लफ्ज़ है, नहीं आती, तो वो क्या है? रदीफ। अब ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से चीज़ें याद रखनी है। अब बेटा आप लोग अपने नोट्स निकालें, नोट्स में आपके जो मरकजी ख्याल दिया गया है उसको आपने देखना है। मरकजी ख्याल जो है हम्द का वो देखेंगे कि आपने उसको याद करना है अच्छे तरीके से। और प्रेजेंटेशन के हवाले से बेटा मरकजी ख्याल का ये है कि आपने सबसे पहले नज़्म का नाम लिखना है जिस तरह से आपके नोट्स में दिया गया है, उसके बाद शायर का नाम जो है वो मार्कर के साथ, मार्कर के साथ शायर का नाम, फिर पेन के साथ जो नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली वो लिखेंगे, फिर आपकी हेडिंग आएगी मरकजी ख्याल की। ये मार्जिन लाइन के साथ लिखे जा सकते हैं, मार्जिन लाइन जिस तरह से नोट्स में दिया गया है तकरीबन आपने उसी तरह की प्रेजेंटेशन के साथ इसको करना है। अल्लाह ताला अजीम और कादरे मुतलिक है, हर दिल और हर जर्रे पर उसकी हुक्मरानी है, हर दिल और हर जर्रे पर उसी की हुक्मरानी है। और उसके बाद जो है आपने देखना है कि आरफीन के लिए उसके जलवे और नज़ारे अजीब कैफो मस्ती का सामान किए हुए हैं, इसकी कुदरत की निशानियां हर जा मौजूद हैं। ये बेटा तकरीबन चार जुमलों पर मुश्तमिल है, ये मरकजी ख्याल है, इसको आपने इसी तरीके से याद करना है। इसमें खुद से ना कोई एडिशन करना है ना कोई और आप कहीं से भी याद करेंगे, ठीक है? इसी तरह से ये चार जुमले हैं, और इससे ज़्यादा बढ़ा कर अगर लिखेंगे तो वो खुलासा बन जाएगा, फिर वो आपका जो है मरकजी ख्याल नहीं रहेगा। अब जो है हमने हम्द की जो है अल्फाज मायनी देखने हैं वो आपके पेज नंबर 68 पर दिए गए नोट्स में, उनमें से आप देख लेना है अगर आपका कोई भी जो चीज़ है वो उसमें मौजूद नहीं है या आपको नहीं समझ आ रही, तो वो मीनिंग तमाम के तमाम, जैसे कब्ज़ा है इसका मतलब है किसी का हुकूमत करना या इख्तियार किसी का दूसरे पर हो जाना, बंदा है नाफरमान, नाफरमान गुलाम या नाफरमान बंदा, मुकद्दम है बरतर है फौकियत रखने वाला है, महरम जानने वाला वाकिफ़ हाल है ना महरम ना जानने वाला ना वाकिफ है, भेद का मतलब राज है, जचता यानी पसंद आना अच्छा लगना, आफाक दुनिया कमली चादर कंबल को कहा जाता है, लिबास को कहा जाता है। उसके बाद है गदा फकीर मगन मसरूफ खलते सुल्तानी बादशाही या शाही लिबास, मुहीत छाया हुआ रंजो मुसीबत परेशानी दुख गिला शिकायत। यह है इसमें बेटा खुलासा दिया गया, लेकिन अभी आपने सिर्फ मरकजी ख्याल ही याद करना है, ये खुलासा हम बाद में करेंगे। मरकजी ख्याल जो आपका पहले पेज पर पढ़ाया है वही आपने करना है, जो इस पेज पर दिया गया है उसको नहीं करना। उसके बाद है कि हमारे सवाल जवाब हैं, कौन सा बंदा हम्द सरा है? शायर ने अपने आप को नाफरमान बंदा कहा है और वो अल्लाह की शान में हम्द सरा है, यानी वो कह रहा है कि गुनाहगार बंदा
जो कि वो खुद को बता रहा है। तो आपने इसका ये जवाब लिखना है कि शायर ने अपने आप को नाफरमान बंदा कहा है और वो अल्लाह की शान में हमसरा है। किसी किसका हक सबसे मुकद्दम है? अल्लाह का हक सबसे मुकद्दम है। ये सवाल जवाब आपने बेटा इसी तरह से याद करने हैं, और मुख्तसर जवाबात की हेडिंग देकर सिर्फ जवाब नंबर एक, जवाब नंबर दो इस तरह से पेपर में आपने लिखना है। अल्लाह का हक सबसे मुकद्दम है, महरम और नामहरम में क्या फ़र्क है? महरम जानने वाले और वाकिफ को कहते हैं, जबकि नामहरम से मुराद ना आशना और ना वाकिफ है। दोनों एक दूसरे के मुतजाद लफ्ज़ हैं, लेकिन शायर ने इनको एक ही करार दिया है, यानी कि वो कहता है कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है? अल्लाह का गधा जो है उसकी नज़रों में शाही लिबास की कोई अहमियत नहीं होती, या उसको बादशाही लिबास भी पसंद नहीं आता, बल्कि वो अपनी मामूली गुदड़ी और कमली में भी यादे इलाही में मस्त रहता है। बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है? आपने इसका आसान सा जवाब लिख देना है कि अल्लाह का गधा जो है वो अपनी कमली में मस्त रहता है या मगन रहता है। बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है? बादे सबा घर घर अल्लाह ताला का पैगाम या अल्लाह ताला की महक लिए फिरती है। उसमें उसके बाद बेटा ये वाला सवाल आप रहने दें, दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। इसमें आएगा हमसरा कौन है? चाहे गुनाहगार बंदा उसका मीनिंग है, लेकिन आपने किताब में शेर में देखना है कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। वो है बंदाए नाफरमान। किसका हक अदा करना सबसे मुकद्दम है? अल्लाह ताला का हक अदा करना। बे वाला जो ऑप्शन है इसको आपने टिक करना है। पहला जो है उसमें जीम है बंदाए नाफरमान, दूसरा जो है उसमें अल्लाह ताला, बे वाला ऑप्शन। कौन एक जैसे हैं, महरम और नामहरम? इसमें दाल वाला जो ऑप्शन है इसको बेटा आपने टिक करना है। नजरों में जचता नहीं है खलते सुल्तानी, यानी शाही लिबास भी अगर आ जाता है, लेकिन आपने जो शेर में लफ्ज़ दिया गया है उसको ही टिक करना है। सबा घर घर किसका पैगाम लिए फिरती है? अल्लाह ताला का। सबा घर घर अल्लाह ताला का पैगाम लिए फिरती है। ये आपने जो है इसकी एक्सरसाइज, जो मशकी सवालात हैं वो भी याद करने हैं, उनको लिख कर देखना है, और असाइनमेंट में सिर्फ बेटा आपने तशरीह करनी है और साथ साथ मरकजी ख्याल पूरी प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। आज हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, इनको अच्छे तरीके से याद करना है, ख़ास तौर पर मरकजी ख्याल और जो सवाल जवाब हैं उनको लिखकर आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है।